हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल देसी हॉडलर्स में। तो आज का वीडियो है वीडियो नंबर 2 और आज डिस्कस करने वाले हैं टीम ऑस्ट्रेलिया। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देसी हॉडलर महेश शुरू करने वाले हैं इन प्लेयर्स की डिटेल्स के बारे में। तो आज के हमारे पहले प्लेयर हैं क्लेन मैकग्रा फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन टीम। अभी हम उनका वैल्यूएशन करते हैं। लेट्स गो टू द मार्केटप्लेस। क्लेन मैकग्रा, पहली चीज इस एनएफटी के बारे में कि ये एनएफटी है 2007 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की। एंड इस एनएफटी के खास पहलू ये है कि जितने बैजेस आपको इस एनएफटी में दिख रहे हैं अभी तक हमने इतने बैजेस कोई एनएफटी में अभी तक नहीं देखे हैं। सो वन बाय वन लेट्स अंडरस्टैंड इनके बैजेस क्या हैं। जिस एनएफटी के बैजेस आते हैं वर्ल्ड चैंप एंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल प्लेयर, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एंड गोल्डन बॉल। ओके, सो ये एनएफटी है साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच इन 2007 और इसका लोएस्ट आस्क है $699 और इसका टॉप सेल वैल्यू है $1,000। तब हम आते हैं कितने एनएफटीज अभी तक रिलीज किए गए हैं और कितने अभी मतलब हिडन पैक्स में आने बाकी हैं। तो एज यू सी ऑन योर स्क्रीन अराउंड 22 एनएफटीज अभी तक रिलीज किए गए हैं एंड 128 आर स्टिल हिडन इन द पैक्स। सो ये आपको फ्यूचर ड्रॉप में देखने मिलेंगे। मैं थोड़ा और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकता हूँ कि टॉप सेल्स में अब तक सिर्फ 5 सेल्स हुए हैं। वो हाईएस्ट सेल जैसे $1,000 का है और लोएस्ट सेल हुआ है $777 का। और जैसे मेंशन किया है कि अभी तक 128 एनएफटीज रिलीज होने बाकी है, सो उसका मतलब है कि ये प्राइस और भी कम भी हो सकता है आने वाले दिनों में, डिपेंडिंग ऑन मार्केट कैसे जाता है। ओके, दैट्स अ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। ओके, इसी के साथ ही हम चलते हैं हमारे दूसरे ऑस्ट्रेलियन एनएफटी की तरफ जो कि है मैथ्यू हेडन। लेट्स डीप डाइव इनटू दिस एनएफटी। या सो ये मैथ्यू हेडन का एनएफटी है 2007 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का। ये है एपिक वाला एनएफटी एंड करंटली इसका लोएस्ट आस्क है $350 और इसका टॉप सेल हुआ है $700 का। और इस एनएफटी के साथ में अभी दो बैजेस भी आते हैं, अगेन वर्ल्ड कप सेमीफाइनल एंड द गोल्डन बैट। सो पिछले वाले एनएफटी में वी हैड अ गोल्डन बॉल जो कि अभी तक यूनिक था। कल हमने टीम का रिव्यू किया था, अब तक हमने वो बैजेस नहीं देखे हैं। जैसे हम नए बैजेस देख रहे हैं हम आपको ये इन्फॉर्मेशन बताना चाहते हैं। इसके साथ ही इसका अवेलेबिलिटी अभी देखते हैं। अराउंड 31 एनएफटीज अभी मार्केट में ड्रॉप हो चुके हैं एंड 119-120 के आसपास अभी आने बाकी हैं। और जैसे कि लतीश ने पॉइंट आउट किया था इसका प्राइस अभी भी नीचे जा सकता है फ्यूचर ड्रॉप के साथ में। सो एक वॉच के लिए आप इसको रख सकते हैं। वी आर नॉट टेलिंग कि इसका प्राइस नीचे ही जाएगा, बट हो सकता है जैसे ये मार्केट में ड्रॉप हो इसके अवेलेबिलिटी के तौर पे इसका फ्लोर प्राइस नीचे जा सकता है। लतीश, हमारे पास मैथ्यू हेडन के रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल डेटा है? नहीं महेश, इस मैथ्यू हेडन एनएफटी के रिलेटेड हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। मैं बस ये सेल्स हिस्ट्री देखना चाहता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है या नहीं। इसमें भी मैं देख सकता हूँ कि मैथ्यू हेडन के सेल्स हिस्ट्री में टोटल 5 सेल्स हुए हैं। रेंज है 345 से लेके $450 तक का। या एंड वही रेंज में अपने स्क्रीन पे सभी को मतलब दिखा रहा हूँ। एंड आप ये रेंज के साथ में ये भी देख लीजिए जिनका सीरियल नंबर जो कि काफी इफेक्ट करता है एक एनएफटी के कॉस्टिंग और फ्लोर प्राइस के साथ ही। या सो ये रहा इंफॉर्मेशन मैथ्यू हेडन एनएफटी के बारे में। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट एनएफटी। सो हमारे अगले ऑस्ट्रेलियन टीम के एनएफटी है डेविड वॉर्नर। इनके रिलेटेड हमारे पास कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन जो कि हमने रिसर्च किया था वो आज हम आपको दिखाएंगे। ओके, सो या ये एनएफटी ऑफ डेविड वॉर्नर इज फ्रॉम 2019 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच से। एंड दिस इज एन एपिक काइंड ऑफ एनएफटी और इसको प्लेयर ऑफ द मैच का बैच दिया गया है। सो अभी चलते हैं जिस एनएफटी के प्राइस पे। लोएस्ट आस्क है $250 बट टॉप सेल है इसका $5,390 का। अभी एक
इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको हम ये बताना चाहते हैं कि इसका ये टॉप सेल्स इतना ज़्यादा प्रीवियस दो एनएफटी से क्यों है। ओके, इसके लिए हम चलेंगे इसके सेल्स हिस्ट्री पे एंड इसमें हम देखेंगे टॉप सेल्स। ओके, सो जैसे ही हम टॉप सेल्स पे जाते हैं तो हमें ये दिखता है कि डेविड वॉर्नर एनएफटी 5390 पर ये उस एनएफटी को मिला है जिसका सीरियल नंबर 1 है एंड इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड इफ़ यू गो डाउन तो आपको ये देखने मिलेगा कि जैसे इसका सीरियल नंबर बढ़ता है उतना ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आता क्योंकि इसका नंबर 1 था, इसे $5,390 का सेल टॉप सेल मिला था। अभी हम चलते हैं कि कितने एनएफटीज ड्रॉप हो गए। ओके, सो ये भी एक यूनिक डेटा हमारे सामने आया है। तो अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रीवियस रिव्यू ऑफ एनएफटीज के बारे में तो यहाँ पे आपको ये देखने मिलेगा कि टोटल 250 में से 235 के आसपास ये ड्रॉप हो चुके हैं और इससे और कुछ ही एनएफटीज हैं जो फ्यूचर पैक्स में ड्रॉप होंगे। यहाँ से हम ये कंक्लूड थोड़ा सा कर सकते हैं कि इसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहेगा या इससे होल्डिंग करने पे थोड़ा आगे भी बढ़ सकता है क्योंकि आने वाले एनएफटीज में ये थोड़ा सा स्पार्स दिखेगा आपको, मतलब कि ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आने वाला है अभी। हाँ, थैंक्स मैच। इसका कुछ पास डेटा है वो जो मैं शेयर करूंगा, आपके स्क्रीन में देख सकते हैं कि पहले वीक का प्राइस डेविड वॉर्नर के है बिटवीन 275 से लेके 432। ये पहले 10 दिन का वैल्यू है, 3rd फेब से लेके 13th फेब का। और यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एनएफटी इन्वेस्टमेंट के बारे में वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। तो किसी भी तरह के एनएफटी में इन्वेस्ट करने से पहले आप खुद रिसर्च कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। सो हमारे चौथे एनएफटी है फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टीम, स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ के एनएफटी में डीप डाइव करके देखते हैं कि हम आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन ला सकते हैं। ओके, सो ये स्टीव स्मिथ का एनएफटी है फ्रॉम 2015 आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच का है एंड ये रेयर एनएफटी है जिसके 750 मतलब सिमिलर एनएफटीज आएंगे। अगर हम प्राइस की बात करें तो करंटली इसका लोवेस्ट आस्क है $179 और टॉप सेल हुआ है इसका $700 का। इसके साथ ही इसके एनएफटी ड्रॉप डिटेल्स के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास ये अभी ड्रॉप हो चुके हैं एंड 560 अभी ड्रॉप होने बाकी हैं। और इसी के साथ ही हम थोड़ा सा इसका सेल हिस्ट्री वाला डेटा पूछने के लिए चलते हैं सतीश के पास। तो स्टीव स्मिथ यहाँ पे देख सकते हैं 3rd फेब को जब लॉन्च हुआ था $95 पे सेल हुआ था, उससे बढ़कर मैक्सिमम गया था 13th फेब को $216 तक। तो यही प्राइस रेंज में रहा है पहले दो हफ्ते में। ये इंफॉर्मेशन ऑन स्टीव स्मिथ। इसके साथ ही चलते हैं हमारे पांचवे एनएफटी की तरफ जो कि है अलिसा हीली, विमेन्स टीम की प्लेयर है और हमारे कॉम्बिनेशन में ये एक अच्छा एनएफटी आया था जो कि हमको इंक्लूड करना चाहिए हमारे टॉप एनएफटीज में। तो अगर हम इस एनएफटी के बारे में बात करें तो ये है 2020 आईसीसी विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप का एंड ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश मैच से है। ये एक एपिक एनएफटी है जिसके 250 मतलब सीरियल नंबर्स आएंगे। करंटली इसका लोवेस्ट आस्क है $135 और इसका टॉप सेल हुआ है $149 का। अभी इसके अवेलेबिलिटी के डिटेल्स देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारे लास्ट दो एनएफटी से थोड़ा सा डिफरेंट डेटा है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम हुई है। अभी तक जितने भी मतलब ड्रॉप हुए हैं वो कम है क्योंकि 250 में अगर आप देखें तो अभी तक 25 के करीब ही एनएफटीज ड्रॉप हुए हैं एंड 226 अभी आने बाकी हैं। तो अभी इस एनएफटी का और भी सप्लाई फ्यूचर में आपको देखने मिल सकता है। अगर आप खरीदना चाहें तो प्लीज वॉच आउट फॉर दिस एनएफटी इन द फ्यूचर। तो ये थे हमारे टॉप 5 एनएफटीज फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन टीम रिव्यू। और एक नोटेबल मेंशन करना चाहता हूँ वो है एरन फिंच का इस टॉप 5 के अलावा, और इसका सिर्फ एक कारण है वो है इस एनएफटी का ओवरऑल सप्लाई जो है वो कम होने वाला है फ्यूचर में क्योंकि उनका टोटल एनएफटी काउंट है 500, उसमें से 470 ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है और सिर्फ 30 है पैक्स में। अगर आप प्राइस देखेंगे तो लोवेस्ट आस्क है $52 का और अगर पहले दो हफ्तों का प्राइस रेंज देखेंगे
तो 67 से लेके 81 के बीच में था। तो पहले दो हफ्तों से कंपेयर करते हुए भी ये प्राइस करंटली मार्केट में कम है, तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं इन NFTs के लिए, तो ये एक NFT के बारे में भी आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो टॉप 5 प्लेयर्स फ्रॉम टीम ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आने वाले वीडियोस में दूसरे टीम्स और इन बैजेस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो अगर वो बेल नोटिफिकेशन हिट नहीं किए हैं तो प्लीज़ हिट कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है जब नए वीडियोज़ रिलीज होते हैं। Thank you for watching. Signing off, Desi Hodler Latish. Thank you for watching Desi Hodler videos. Signing off, Desi Hodler. Mahesh.